मुरादाबाद की सदर तहसील में अगवानपुर के एक परिवार द्वारा बहेलिया जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए धरना प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि तहसील प्रशासन का ये कहना है कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो जरूरी प्रक्रिया और जानकारियां दी जानी चाहिए उस परिवार द्वारा नहीं दी जा रही। आजकल जनसुविधा केंद्र पर सारे प्रमाण पत्र उपलब्ध होते हैं, तहसील प्रशासन द्वारा सिर्फ जांच की जाती है और जांच के बाद सत्यापन रिपोर्ट लगाई जाती है। धरने पर बैठे परिवार द्वारा कहा गया कि वे बहेलिया जाति से हैं और पूर्व में भी उनके प्रमाण पत्र बने हैं, लेकिन इन दिनों तहसील प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे। आपको बताते चलें, बहेलिया जाति अनुसूचित जनजाति का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए आवेदक को पूरी जानकारी देनी होती है। अगर आवेदक द्वारा जानकारी नहीं दी जाती अथवा प्रूफ नहीं दिया जाता तो फिर दुश्वारियां आती हैं। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन कर रहे अगवानपुर के परिवार द्वारा बताया गया कि वह अगवानपुर रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। धरने पर बैठे परिवार के सदस्य से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया, आज तहसील में बैठे हैं सर। क्यों बैठे हैं तहसील में? तहसील में यूँ बैठे सर जी, 3 साल से हम अपने बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रयास कराने की विनती कर रहे हैं। क्या जाति है आपकी? बहेलिया है सर। क्या परेशानी आ रही सामने सर? कभी कोई अधिकारी कोई बहाना ले देता, कभी कोई अधिकारी कोई बहाना ले देता, कोई ना कोई प्रूफ निकाल के लिख के भेज देते हैं कि हाँ बनाएंगे बनाएंगे। परेशानी क्या आ रही है आपके सामने? परेशानी ये आ रही सर, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ लिख रहे हैं बच्चे जिनके आईडी पेपर हैं, किसी को तीसरे में, किसी को चौथे में, किसी को आठवें नौवें में बैठा कर घर बैठा रहे हैं। क्या करें हम? क्या चाहते हैं? चाहते ये है सर, जैसे आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हुई है, वो भी किसी आदिवासी की बेटी है, अगर हमें भी इतना साहस दिया जाए, हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी करे जाए, हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम भी मानवता हासिल करेंगे। सर कब से बैठे हैं आप? सर बैठने की तो बात यह है कि 3 साल से बहुत आ रहेगे, 26 जनवरी से तो प्रयास कर रहे हैं। 26 जनवरी में ये कहा था तहसीलदार साहब ने कि जाइए अपने प्रधान से एफिडेविट लाइए बनवाकर, तो हम वो भी ले आए सर। अभी बना नहीं आपका? अभी नहीं बना सर, एफिडेविट भी साथ में रखा है, मान लीजिएगा बहुत सारे प्रूफ ला ला। कब तक बैठेंगे आप यहाँ सर? अब नहीं जाने वाले, अब तो आज सिंगल बैठे हैं, कल तो हमारे जो ढोर डंगर पशु पले हैं वो भी घर भी यहीं बनाएंगे तहसील में ला के। अब नहीं जाएंगे सर हम?